कुछ सोचा था कि यार थोड़ा बाल को कलर वगैरह कराते हैं, बट मतलब पूरा छपरी बन गया क्या लगता है थोड़ा। उनकी कंडीशन पूरे कपड़े वपड़े सब ऐसे फैले हुए आया था कि ये अंडे दे देगी और देख सकते हो दे भी दी। हे गाइस वेलकम टू द व्लॉग। आज है संडे, ही बज रहे हैं कुछ सुबह के ऑलमोस्ट 11 बज चुके, 10 मिनट कम है। हम लोग को टाइटल और थंबनेल देख के तो पता ही चल गया कि आज हम लोग जाने वाले अपने ये जो बड़े बाल देख रहे हैं पूरे बाल को कट करवाएंगे, और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो उसके लिए मैं बाल कट करा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इंसान बन के जाऊँ, अभी भी इंसान हुआ बाल कटाने के बाद सही हो जाएगा यार, तो हम लोग चलते हैं और बाल कटाते। बट यार आप लोग उससे पहले देख सकते हो पूरे रूम की कंडीशन, पूरे कपड़े वपड़े सब ऐसे फैले हुए क्योंकि आज हम लोग को निकलना है ना। और कहाँ निकलना आप लोग को पूरा ब्लॉग व्लॉग का अपडेट तो मैं देती रहूँगा, तो आप लोग ब्लॉग को मतलब अभी से ना मैं ब्लॉग के अंदर थोड़ी कंसिस्टेंसी लाऊंगा, सारे लाइफस्टाइल ब्लॉग करने वाला हूँ, तो आप लोग सारे ब्लॉग के अच्छा प्यार दिखा रहे हो, मुझे मोटिवेट करना है कि मैं अगला वाला ब्लॉग भी अपलोड कर दूँ। तो चलते हैं और देखते हैं। तो यार आप लोग देख सकते हो मैंने प्रीवियस वाले व्लॉग में बताया था कि ये अंडे दे देगी और देख सकते हो दे भी दी है। पूरा ना यार आप लोग बाल देख सकते हो, बाल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है बट साइड साइड से कान पे ज़्यादा ही आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा ये बाल कट करा लेता हूँ। और आज हम लोग जाने भी वाले कहीं, तो आप लोग को व्लॉग अगर आप लोग पूरा देखोगे और सारी चीज़ें देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तभी हम लोग चलते हैं बाहर और बाल को कट करवाते हैं। आज रात में तो हम लोग को निकलना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी है, खाने पीने की चीज़ें लेनी है और रिचार्ज भी कराना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे और अपने हेयर को कट करवा लेंगे। अगर यार हमारा ब्लॉगर आप लोग रेगुलरली देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कौन से सैलून जाते हैं, एलवी सैलून जो कि मिलीनियम के पास ही है। अगर आप लोग ये ब्लॉग अगर मुमरा से देख रहे हो तो आप लोग डू विजिट एलवी सैलून, वहाँ के हेयर स्टाइलिस्ट है यार और बाल बहुत सही कट करते। अभी जो ये मेरे बड़े बाल है अभी आप लोग वहाँ पर जाके देखोगे कि कैसे छोटे कर देंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लोग चलते हैं सैलून में और कटाते हैं बाल। तो गाइज हमारे साथ मुश्तबा भी है जो कि नहीं आ रहा था, बट इतना मुश्किल से बोलने के बाद जो आया है तो भाई तू क्यों नहीं आ रहा था? मर्जी मेरी। क्यों तेरी मर्जी, घर पे बैठे बैठे क्या करेगा, फोन ही चला रहे हो तो मेरे साथ चलने में क्या हो रहा था? गाइज आप लोग ही बताना, घर में बैठने से अच्छा थोड़ा बाहर घूमने का, थोड़ा नेचुरल हवा लेने का, मतलब नेचुरल धूप लेने का, आप लोग देख ही सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं सैलून और इसको मैं क्यों लेके आया हूँ, कैमरा पकड़ने के लिए, वरना भाई तेरी ज़रूरत भी नहीं है मुझे। चले पड़ जाओ मत अभी कैमरा पकड़ने के लिए, चल हम लोग के साथ। तो यार अभी हम लोग चलते हैं, हेयर कट करवाते हैं, देन उसके बाद उसको कैमरा पकड़वाते हैं। तो गाइस जैसे कि भैया मैंने आप लोग को बताया था कि अभी हम लोग जाएंगे और अपना हेयर कट करवाएंगे क्योंकि हम लोग रात में निकलने वाले, तो आज हमारा हेयर कट करेंगे शारिक भाई। तो शारिक भाई आज कैसा बाल काटोगे मेरा? अच्छा मतलब मेरे ऊपर थोड़ा अच्छा बाल काटो, थोड़ा हेयर स्टाइल टाइप जो अच्छा लगे। तो यार अभी मैं बैठता हूँ इधर और देखते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा मतलब सोच रहा था कि थोड़ा अच्छा बाल कटाने क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं रात में, तो इस वजह से अभी हम लोग देखते हैं वो बाल कैसा कटाते हैं और अभी आप लोग देखते रहना। और मुश्ताबा जिस चीज़ के लिए मैंने देखो लाया था तो अभी तो कैमरा पकड़ ले भाई और जो भी चीज़ से करिए वो सब तो दिखाते रहना, ठीक है? तो गाइज मतलब मैं ना हमेशा नॉर्मली हेयर कट कराता, अगर आप लोग ने मेरे मैंने दो ब्लॉग बनाया हेयर कट पर, अगर आप लोग वो नहीं देखे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग वाला ब्लॉग जरूर से देखना। बट इस बार मैंने कुछ सोचा था कि यार थोड़ा बाल को कलर वगैरह कराते, बट पता है यार फैमिली कैसे बोलते, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं कलर तो नहीं करा पाऊँगा। बट अभी देखते हैं बाल कैसा कटता है, तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक का देखना। तो चलो देखते। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि बाल पहले कैसे थे, बिफोर आफ्टर का आप लोग देख लेना, मैं आप लोग को बता दूंगा। और मतलब पहले से तो यार काफ़ी सही लग रहा है। और शारिक भाई ने काटे, अगर आप लोग एलवी सैलून में आते तो उनसे ज़रूर से कटवाना, बहुत अच्छा बाल काटते। तो हमारे भाई के पास भी थोड़ा कैमरा कर दो जिन्होंने काटे, तो थैंक यू सो मच भाई आपके बाल काटे, तो यार बहुत सही लग रहा है, मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग आगे चलकर देखते हैं।
यार देखो अब तो पहले बाल ही कटाते थे बट अब देख सकते हो बहुत सारे लोग ब्लॉग में भी मेरे को बोले थे कि यार तेरी बियर्ड थोड़ी आ रही है तो अभी तो कच्ची है अभी हम लोग डायरेक्ट शेविंग तो नहीं कर सकते बट ट्रिम कर सकते मैं इसको थोड़ा बार ट्रिम कर लेता हूँ और जो मूंछ है ना उसको नहीं काटूंगा वरना समझ सकते हो बहुत अजीब लगता है तो मैं वो तो इसको थोड़ा कर लेता हूँ तो फुल एकदम चिकना बन चुका बाल भी सही हो गया अभी सारी बियर्ड वगैरह भी कटा दी तो मैंने उन्होंने बाल कटा लिए जो हमारा दूसरा काम था जो हमने थोड़ा जर्नी के लिए थोड़ी खाने पीने की चीज़ें लेनी थी वो भी लेने के लिए चलेंगे तो हम लोग चलते हैं बाहर और फिर अभी तो आप लोग देख ही सकते हो मैंने पूरा बाल वगैरह तो पूरा कटा लिया और बहुत ही सही लग रहा है मतलब पूरा छपरी बन गया था भाई मैं सोच रहा था कलर कराना लेकिन आप लोग को बता देता हूँ छपरी वाला ग्रीन येलो येलो कलर वाला मैं नहीं बोला था जो जो ना धूप में शाइन करता है इसको नेचुरल कलर बोलते हैं यार मेहंदी भी शाइन करता है बट जो वाला जो कलर रहता है वो ज़्यादा शाइन करता है तो मैंने पहले एक टाइम कराया था जो कि मतलब 2-3 मंथ चला था तो लेकिन अभी वो भी करा रहे थोड़ा बाल यार मेरे वो ज़्यादा सॉफ्ट है ना पता है यार सॉफ्ट तो है ही तो काफ़ी अच्छा लगता था मैं वही सोचा था कराने के लिए बट मैंने घर पर बोला तो मम्मी चिल्लाई अलग और धमकी क्या दी है पता है मोबाइल ले लेंगे और ना मत करा ऐसी धमकी वाले तेरे को भी मिलती होगी या नहीं मिलती है मिलती तब भी तो इतना बेशरम हो गया मोबाइल चलाते ही रहता है नहाना वहाना है ही नहीं सुबह से उठ के बस मोबाइल चलाना है और क्या करना है भाई और कुछ काम है देखो क्या काम है नमाज भी पढ़ना है नमाज पढ़ना है रमजान के अंदर ना यार जिन लोग मुस्लिम बन जाते उन लोग का अंदर से जाग जाता तो ऐसा ही नहीं एक महीने के लिए नहीं हम लोग को पूरे साल के लिए करना चाहिए तो गाइस एक मिनट तो हेयर तो कट करवा लिया और मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ हम लोग चलते दुकान पे थोड़ा लेस वगैरह तो मैं फ्रूटी लूँगा और लेस लूँगा और बाकी चॉकलेट वगैरह घर पे पड़े ही रहेंगे तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें ले चुके हैं आप लोग देख ही सकते हो मतलब हर वेराइटी की चीज़ें ले लिया बिस्किट ले लिया चिप्स ले लिया फ्रूटी वगैरह सारी चीज़ें ले लिया और देख ही सकते हो आप लोग और इसको खोल के तो आप लोग जब ब्लॉग आएगा देखोगे तो ये जब भी मैं पूरी सारी चीज़ें खाऊंगा ना और घर पे मैंने कल चॉकलेट्स भी लेके आए थे तो वो भी सारी चीज़ें खाएंगे और अभी चलते हैं और जिस कंट्री में मैं जाने वाला हूँ ना वहाँ के तो अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते ही है और मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट सोच के रखा है तो आप लोग बस बने रहना और देखते रहना आप लोग अपना प्यार दिखाते रहना तो आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाते रहूँगा बस आज की वीडियो में आपने देखा कि हम लोग ने अपने बाल कटाए और आज ना यार दो ब्लॉग शूट करने का सोचा हूँ अभी दूसरा भी करूँगा तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा और मेरे पास 3-4 ब्लॉग पेंडिंग में रखे हुए तो ये ब्लॉग कब आएगा वो तो मेरे को पता नहीं बट जब भी आ जाए इसलिए मैं आप लोगों को डेट मेंशन कर दे रहा हूँ वीडियो में देख ही सकते हैं हम लोग सब खाएंगे तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बहुत जल्द मिलने को और बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ तब तक का आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा तब लोग नए नए कॉन्टेंट के लिए रेडी रहिएगा और बहुत अच्छे से कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा।